इस फ्राइडे विक्की की करियर की गाड़ी पटरी पर दौड़ेगी या फिर इस बार भी विक्की के हाथ निराशा ही लगने वाला है, क्योंकि विक्की की फिल्म जिस दिन रिलीज हो रही है यानी कि 2 जून को, उस दिन हॉलीवुड फिल्म स्पाइडर मैन भी फिल्म को टक्कर देगी। ऐसे में दोनों ही फिल्मों का जबरदस्त क्लैश देखने को मिलने वाला है। लिहाजा सवाल ये उठता है कि क्या विक्की की जरा हटके जरा बचके हॉलीवुड की स्पाइडर मैन के आगे टिक पाएगी। दरअसल विक्की सारा के फिल्म जरा हटके जरा बचके को सेंसर बोर्ड की ओर से यूएस सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। फिल्म की रन टाइम 2 घंटे 12 मिनट होगी, यानी कि 2 घंटे 12 मिनट तक आप फुल एंटरटेन होने वाले हैं या फिर बोर होने वाले हैं। इसके साथ ही विक्की की फिल्म को इंडिया में 1500 से कुछ ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। अगर फिल्म का कंटेंट पसंद किया जाता है तो उसके पास हाइप क्रिएट के लिए 2 हफ्ते का बिल्कुल खाली मैदान है, क्योंकि अगली बड़ी पिक्चर आदि पुरुष 16 जून को रिलीज हो रही है। मगर जरा हटके जरा बचके का मुकाबला बेशक किसी हिंदी फिल्म से नहीं है, लेकिन स्पाइडर मैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स से इसका वॉर होना है। ये वैसे तो एनिमेशन फिल्म है, मगर इस सीरीज की पिछली फिल्म स्पाइडर मैन इंट्रो द स्पाइडर वर्स को खूब पसंद किया गया था। वहीं स्पाइडर मैन सीरीज की फिल्म स्पाइडर मैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स आज रिलीज हो चुकी है। ये पहली हॉलीवुड फिल्म है जिसकी स्टोरी को 10 अलग भाषाओं में डब किया गया है, और तो और इसे 1800 स्क्रीन पर सिर्फ इंडिया में रिलीज किया गया है, जो कि विक्की की फिल्म से 300 स्क्रीन ज्यादा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के अनुसार नेशनल चैंस में अब तक 40,000 टिकट्स भी बिक चुकी हैं। इस लिहाज से अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म को इंडिया में अच्छी ओपनिंग मिल सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि स्पाइडरमैन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद रखती है और भारत में पहले दिन सभी भाषाओं में 4 करोड़ की कमाई कर सकती है। इस हिसाब से जरा हटके जरा बचके की पहले दिन की कमाई की बात करें तो मामला बहुत एक्साइटिंग नहीं लग रहा है। अभी तक ये अंदाजा है कि ये फिल्म 1.75 करोड़ रुपए से 2.25 करोड़ रुपए के बीच ओपनिंग ले सकती है। अब ऐसे में विक्की कौशल की फिल्म का स्पाइडर मैन के साथ में मुकाबला जबरदस्त होने वाला है। लिहाजा जरा हटके जरा बचके का फ्राइडे रिपोर्ट तय करेगा कि फिल्म लोगों को कितनी पसंद आ रही है और ये स्पाइडर मैन को टक्कर देकर आगे निकल सकती है या फिर नहीं। खैर, आप बताइए, आप स्पाइडर मैन और जरा हटके जरा बचके इन दोनों में से किस फिल्म को देखने वाले हैं? बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।